सबसे पहला न्यूमेरिकल है और यहाँ पे हमको साइन कन्वेंशन और फॉर्मूलाज ध्यान रखने हैं. लेट्स सी, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर अवे. एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग मिरर. क्या होता है ये कन्वर्जिंग मिरर? इस मिरर्स में कौन सा मिरर होता है कन्वर्जिंग मिरर? यस, इट इज अ कॉनकेव मिरर. यानी दिस इज अ कॉनकेव मिरर, यानी कुछ ऐसा मिरर है. यही होता है कन्वर्जिंग ना, पैरेलल रेज को कन्वर्ज करता है, एक पॉइंट पे फोकस करता है. सो कन्वर्जिंग मिरर से एक ऑब्जेक्ट है तो 20 सेंटीमीटर दूर रखा है. यानी कि व्हाट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू? इट्स 20 सेंटीमीटर. क्या ये 20 होगा या -20? यस, बाय साइन कन्वेंशन लेफ्ट साइड में है ना, ये हमारा साइन कन्वेंशन के हिसाब से लेफ्ट की तरफ पड़ रहा है. सो इट इज, है ना, यू के लिए हमने क्या कहा है कि इट इज ऑलवेज नेगेटिव, सो यू विल बी -20 सेंटीमीटर. राइट, सो एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट -20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर. रेडियस दिया है और हमको मिरर फॉर्मूला में फोकल लेंथ यूज करना होता है. सो इफ द रेडियस इज 30 सेंटीमीटर, व्हाट्स द फोकल लेंथ ऑफ दिस? एंड अगेन कॉनकेव है, कॉनकेव के लिए आर और एफ दोनों क्या होता है? Yes, by sign convention, इस तरह का ना लेफ्ट साइड में. सो दैट्स नेगेटिव. यस, सो दैट विल बी नेगेटिव. यानी कि आर कितना होगा? -30 सेंटीमीटर. तो एफ क्या होगा? आर बाई टू होता है. सो इट विल बी -30 बाई 2, दैट इज -15 सेंटीमीटर. ये हमारा एफ है. हमको निकालना है पोजिशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज को. नेचर और साइज के लिए तो हम मैग्निफिकेशन अलग से निकाल लेंगे. पहले फिलहाल पोजीशन के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे मिरर फॉर्मूला यूज करते हैं. सो वी हैव अ मिरर फॉर्मूला, 1/F = 1/V + 1/U. राइट, मिरर फॉर्मूला में 1/V + 1/U होता है. सो दैट्स 1/-15, दोनों सेंटीमीटर में है, कोई टेंशन नहीं. अब यहाँ पे 1/-15 = 1/V, जो हमको निकालना है इमेज का पोजिशन. और 1/U कितना है यहाँ पे? 20. So that is, ये -20 -1/20 इधर जाएगा तो +1/20 हो जाएगा. So it will be 1/V जो already जो है मैंने लिख दिया, इसको यहाँ ले लिया. So it is +1/20 और already यहाँ पे है -1/15, या फिर इस +1/-15 का मतलब -1/15. So अब ये हो जाएगा, cross multiply कर लो, 15 - 20/300 = 1/V. यानी कितना हो जाएगा ये? -5/300. ओके, -5/300. सो दैट इज 6, यानी 1/-1/60 हुआ. और फिर ये अगर रिवर्ट कर दिया, 1/V है तो V कितना हो जाएगा? -60 सेंटीमीटर. सो दैट्स योर पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म. अभी हमको नेचर और साइज भी निकालनी है. फॉर दैट यूज द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माय एच डैश बाय एच होता है. अगर हमको यहाँ पे साइज ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो हम बी और यू से काम चला लेंगे. मिरर के लिए क्या होता है? -V/U. फॉर्मूला इज -V/U. व्हाट्स वी? क्या हो जाएगा वी यहाँ पे? -60. एंड व्हाट इज यू? यू कितना दिया यहाँ पे? -20. ये कैंसिल हुआ, माइनस माइनस, एक माइनस वी बचा बाहर का. एंड ये हो गया 2, 3. मैग्निफिकेशन -3. माइनस का मतलब क्या होता है? इनवर्टेड, यानी रियल एंड इनवर्टेड. ये हो गया नेचर. और दूसरा ये 3 मतलब क्या है? ग्रेटर देन 1 है. 3 ये नंबर ग्रेटर देन 1 है, उसके लिए हमने क्या बोला है? एनलार्ज. अगर 1 होता तो सेम साइज, लेस होता तो डिमिनिश्ड. सो दिस इज ग्रेटर देन 1, तो यानी कि दिस इज 3 टाइम्स एनलार्ज. लिख सकते हो यहाँ पे 3 टाइम्स enlarged image will be formed. Okay? So this was the first kind of numerical जो मैं यहाँ पे किया. Let's see another one.